अब इनमें से कोई भी एक मान लो कि हमारा ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप है सपोज हमने एल थ्री को मान लिया कि ये हमारा ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप है तो इसका काम क्या है ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप का काम ये होता है कि उसका एक तो ट्रांस इफेक्ट इन इन तीनों लीगेंड्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा और कोई भी हमारा इनकमिंग लीगेंट सपोज़ आई है हमारा इनकमिंग लीगेंट तो ये जो ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप है ये इस इनकमिंग लीगेंट को डायरेक्ट करेगा इस इनकमिंग लीगेंट को ये ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप डायरेक्ट करेगा या फिर इंस्ट्रक्शंस देगा कि तू मेरी ट्रांस पोजिशन पे आके अटैच हो जा और इस वाले बॉन्ड को ये लिबायल बना देगा ठीक है लिबायल बना देगा अनस्टेबल बना देगा ताकि ये वाला ट्रांस जो लीगेंड ऑलरेडी अटैच है ये यहाँ से रिमूव हो जाए और ये इनकमिंग लीगन यहाँ पर आके अटैच हो जाए ये होता है ट्रांस इफेक्ट और जो ये ग्रुप्स होते हैं जैसे ये ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप मतलब इनका काम क्या होता है कि इनका ट्रांस इफेक्ट दूसरों से ज़्यादा है और वो लीगन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ईजियर कर रहे हैं ठीक है थीके? तो ये ऐसे ग्रुप्स को हम बोलेंगे ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप अब नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रांस इफेक्ट सीरीज ट्रांस इफेक्ट सीरीज में क्या होता है अगर देखो हमारे पास डिफरेंट लीगेंड्स होते हैं है ना तो अलग अलग लीगेंट्स का अलग अलग आ, वो टेंडेंसी होगी टू डिस्प्लेस द ट्रांस लीगेंट तो इस टेंडेंसी के हिसाब से उनको हमने एक सीरीज में अरेन्ज किया हुआ है इसको हमने बोला है ट्रांस इफेक्ट सीरीज अब जैसे सपोज सी एन नेगेटिव का यहाँ सबसे हाइस्ट ट्रांस इफेक्ट शो हो रहा है, है ना तो इसका मतलब क्या है कि अगर सपोज uh, हमारे पास कोई भी एक फिर से कॉम्प्लेक्स है ये मेटल हो गया यहाँ पर सी ओ है सपोज सीओ अटैच है और एक सी एन है ठीक है अब इसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज भी होगा इसके हिसाब से हम चार्ज लगा लेंगे यहाँ पर कुछ भी तो सपोज कोई भी इनकमिंग लीगेंड है एल हमने नाम दे दिया हमारे इनकमिंग लीगेंड को ये यहाँ पर आके अटैच होना चाहता है तो क्योंकि हमें पता है कि सी की जो आ, ट्रांस इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा है तो ये कहेगा इस लीगेंड को इनकमिंग लीगेंड को कि तू मेरी ट्रांस पोजिशन पे आके अटैच हो जा और इस वाले सीओ को यहाँ से रिमूव करवाएगा डिस्प्लेस करवाएगा इस तरह से हम इस ट्रांस इफ़ेक्ट सीरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं यूज़ कर सकते हैं ये एक तरह से इसकी एप्लीकेशन भी है ठीक है तो ये सीरीज आप लर्न कर सकते हो काम आएगी अब देखो जो ट्रांस इफेक्ट है उसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं एज द लेबलाइजेशन ऑफ द लीगेंट ट्रांस टू अदर डायरेक्टिंग लीगेंट जैसे हमने पीछे देखा कि यहाँ पर सीएन है हमारे ट्रांस डायरेक्टिंग लीगेंट है ना तो ये क्या कर रहा है लेबलाइज ही तो कर रहा है ना अपने ट्रांस पे प्रेजेंट लीगेंट को लेबलाइज करना यानी कि लेस स्टेबल बनाना उसको इजीली रिमूव हो सके ताकि वो वहाँ से है ना तो इसी इफेक्ट को हमने ट्रांस इफेक्ट बोला है ये भी इस तरह मतलब इस तरह से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं और जो डायरेक्टिंग लीगेंस है ना इनको हम स्पेक्टेटर लीगेंट्स भी बोल सकते हैं स्पेक्टेटर यानी कि वो पार्टिसिपेट खुद नहीं कर रहे यानी ना तो वो खुद अपनी जगह को छोड़ रहे हैं ना ही खुद जाके कहीं और अटैच हो रहे हैं वो सिर्फ डायरेक्ट कर रहे हैं अपने ट्रांसपोजिशन पे प्रेजेंट लीगेंट को या फिर इनकमिंग को कि तू ट्रांसपोजिशन पे अटैच हो जाए है ना तो ऐसे हम लीगेंट्स को बोलते हैं स्पेक्टेटर ठीक है है सो जो ट्रांस डायरेक्टिंग उनको हम स्पेक्टेटर लीगेंट्स भी बोलते हैं है ना तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है अब नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ सिर्फ प्लेटिन एंड ट्रांस ट्रांसप्लेटिन एग्जाम्पल्स समझेंगे अब हम कुछ की ट्रांस इफेक्ट कैसे हम यूज करते हैं या एप्लीकेशंस भी बोल सकते हो आप इसको कि फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट प्लेटिन कैसे होगा देखो cis -platin का हम फॉर्मूला के हिसाब से भी इसको लिख सकते हैं सो so, ये फॉर्मूला हो गया cis -platin का अब यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या है यानी कि सेम पोजिशन पे आने चाहिए सी एक साइड होगा और एन एक साइड होगा तो इसका आप फॉर्मेशन कैसे करवाओगे सपोज हमारे पास ये एज हमने स्टार्टिंग कॉम्प्लेक्स ले लिया अब यहाँ पर हमने एड करवाया सी एल टू सी एल टू चाहिए हमें और एन एच सी जो ग्रुप्स हैं वो भी टू चाहिए तो यहाँ पर हमें दो सी एल ग्रुप्स को हटाना पड़ेगा तो हम ऐड करवाएंगे एन एच थ्री को ठीक है अब हमने एक एनएच सी को ऐड करवाया तो क्योंकि सारे ही ग्रुप्स इक्वली हैं यानी कि सीएल ही हैं सारे ग्रुप्स तो कोई फर्क नहीं पड़ता ये कहीं भी आके अटैच हो जाएगा तो ठीक है सपोज ये यहाँ पर आके अटैच हो गया अब यहाँ पर हमें चार्ज भी बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि एनएचसी के ऊपर न्यूट्रल एन एच सी न्यूट्रल होता है और एक क्लोरीन यहाँ से रिमूव हो गया तो एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया माइनस वन आ जाएगा ठीक है अब हमें एक और थ्री चाहिए तो अब इसके ऊपर हम एक और एनएच थ्री एड करवाएंगे यहां से एक सीएल रिमूव हो गया तो अब हम एक और थ्री अटैच करवाएंगे तो देखो एनएच थ्री और सीएल में ट्रांस इफेक्ट किसका ज्यादा है तो इसी के लिए आपको ट्रांस इफेक्ट सीरीज करनी चाहिए तो अब देखो ट्रांस इफेक्ट सीरीज में देखते हैं तो सी एल नेगेटिव का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है है ना तो क्या होगा कि एनएच सी नहीं डायरेक्ट करेगा इस आने वाले एन एच सी को कि तू मेरी ट्रांसपोजिशन पे आ ये सी एल ही इसको डायरेक्ट करेगा कि तू मेरी ट्रांसपोजिशन पे आके अटैच हो ठीक है तो ये वाला जो सी एल है ये इस एन एच सी को कहेगा कि तू मेरी ट्रांसपोजिशन पे आके अटैच हो तो अब ये एनएचसी आके इस वाले सी एल की जगह अटैच हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर तो ऑलरेडी वो डिस्प्लेस कर चुका है सी एल सी एल को तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है यानी कि हमें जो सिस प्लेटिन चाहिए था वो यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा ठीक है तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया यानी कि सिस प्लेटिन अब ऐसे ही ट्रांसप्लेटिन का भी हम फॉर्मेशन करवा सकते हैं लेकिन ट्रांसप्लेटिन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा देखो यहाँ पर हमने सारे स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग प्रोडक्ट लिया था यहाँ पर हमने सारे सी एल वाले ग्रुप्स लिए थे है ना सी एल ग्रुप अटैच करवाया ताकि सी एल का फिर जो आ, ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप है वो एन एच सी से ज़्यादा होगा और वो उसकी सिस्पोजिशन पर एन एच सी को अटैच करवा सके लेकिन क्योंकि अब हमें ये चाहिए कि वो ट्रांस पोजिशन पर अटैच हों जो भी एनर्जी uh, होंगे और जो अभी सी होंगे वो ट्रांस पोजिशन पर चाहिए हमें क्योंकि हमें हम तो ट्रांस प्लेटिन बना रहे हैं ना अब तो उसके लिए हमें क्या करवाना पड़ेगा कि जो हमें स्टार्टिंग प्रोडक्ट लेना पड़ेगा वो और ये प्लेटिनम का चार्ज प्लस टू ठीक है तो ये वाला प्रोडक्ट हमें लेना पड़ेगा एज अ स्टार्टिंग प्रोडक्ट अब क्या करेंगे कि एनर्जी तो यहाँ पर दो हमें मिल ही जाएंगे लेकिन हमें अब सी को अटैच करवाना है तो अब हम दो क्लोरिन ग्रुप्स को अटैच करवाएंगे है ना तो एक पहले तो क्लोरीन ग्रुप अटैच करवाएंगे यहाँ पे सी एल नेगेटिव लगेगा तो ये चार्ज एक कम हो जाएगा अभी तो क्योंकि सारे ग्रुप्स इक्वल हैं तो कहीं भी अटैच हो सकता है ये सी एल सपोज यहाँ पे ही हमने करवा दिया इसको अटैच ठीक है ये हो गया अब एक और सी एल अटैच करवाएंगे अब क्या है हमें ये पता है कि सीएल और एनएच में से ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप यहाँ पर कौन सा बनेगा हमारा सीएल क्योंकि इसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है तो ये ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप बनेगा और इसलिए ये इस इनकमिंग Cl को बोलेगा कि तू मेरी ट्रांस पोजीशन पे आके अटैच हो और ये एन एच से रिमूव हो जाएगा इसीलिए लिए यहाँ पर फिर हमारा ट्रांस प्लेटिन बन जाएगा है ना सिंपल है तो इसी तरह से हम ट्रांस इफ़ेक्ट का यूज़ कर सकते हैं और अपने डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना सकते हैं इसके लिए आपको ट्रांस इफ़ेक्ट सीरीज भी लर्न होनी चाहिए वैसे तो है ना तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा ये बन गया हमारा ट्रांसप्लेटिन जो हमें प्रोडक्ट चाहिए था वो बन गया ठीक है तो ऐसे ही आप अलग अलग प्रोडक्ट्स बना सकते हो आप इनको एज एप्लीकेशन यूज कर सकते हो तो ये हम बोल सकते हैं कि एक तरह से ट्रांस इफेक्ट की एप्लीकेशन है कि हम अलग अलग प्रोडक्ट्स को फॉर्म कर सकते हैं ठीक है सो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडे टूडेज वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम थ्योरीज ऑफ ट्रांस इफेक्ट पढ़ेंगे ठीक है सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको समझ आया होगा एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग